वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ को शॉर्ट रिवीजन डिस्कस करेंगे कि कैसे चैप्टर को कवर करना है। सबसे पहले हम देखें, इसमें स्टार्टिंग में आपके चार डेफिनेशन है, ड्रग्स, ड्रग टारगेट्स, मेडिसिन एंड कीमोथेरेपी। ड्रग्स आप जानते हैं कि दे आर द केमिकल ऑफ लोअर मोलिकुलर मास विच इंट्रैक्ट विद द मोलिकुलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। यानी ये छोटे मोलिकुलर मास वाले मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं और उनसे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स कराते हैं। ड्रग टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये जनरली बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एट्सेट्रा। मेडिसिन्स क्या होती हैं? मेडिसिन्स ऐसी ड्रग होती हैं जिसको कि हम किसी न किसी थेरेपेटिक पर्पज़ से यूज़ में लेते हैं, जैसे कि किसी डिजीज़ की डायग्नोसिस में हम काम में लेते हैं या फिर उसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं उनको हम मेडिसिन्स कहते हैं। और कीमोथेरेपी क्या है? तो यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर द थेरेपेटिक पर्पज़, यानी इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, इज टर्म्ड एज कीमोथेरेपी। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है इन वॉट वे यू कैन क्लासीफाई द ड्रग्स। ध्यान रखिएगा, हम क्लासिफिकेशन की बेसिस पढ़ेंगे, हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो हम ड्रग्स को चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल फैक्ट, ठीक है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। फार्मोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? फार्मोलॉजिकल इफेक्ट, एक ड्रग जो है वो आपकी बॉडी में किस तरह का इफेक्ट शो कर रही है, किस तरह से वो अपना काम कर रही है, वो उसका फार्मोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे हम इसकी एक दो क्लासेस के बारे में डिस्कस करें, जो एनाल्जेसिक्स होती हैं ये पेन रिलीविंग ड्रग्स होती हैं, हमारे दर्द को कम करती हैं। एंटीसेप्टिक जो होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को कम कर देती हैं। तो ये फार्मोलॉजिकल इफेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, यानी किस बायोलॉजिकल प्रोसेस से या किस मैकेनिज्म के थ्रू ड्रग अपना काम करती है, तो उसके बेसिस जो क्लासिफिकेशन है वो हम बात करें। तो यहाँ पर एक क्लास में डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज़ एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे बॉडी में हिस्टामिन को ब्लॉक कर देती है, हिस्टामिन को अपना काम नहीं करने देती हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन हमारे बॉडी में कई तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एलर्जिकल रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हिस्टामिन के कारण होते हैं। तो हम एंटीहिस्टामिन ड्रग लेंगे तो हमें एलर्जिकल रेस्पॉन्सेज नहीं होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ड्रग्स को हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपके कुछ ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे आपके जो सल्फोनोमाइड्स होते हैं, सल्फा ड्रग्स होते हैं, है ना, उनमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कॉमन होता है, जैसे जो यहाँ नीचे दिया हुआ है। आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये सल्फा ड्रग्स में पाया जाता है। मतलब ये स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये स्ट्रक्चर तो उसमें हो गई होगा। और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, यानी ड्रग का टारगेट क्या है। जैसे टारगेट एंजाइम्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं, तो वो कहाँ टारगेट कर रहा है ना, उस बेसिस पे भी हम ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये चार टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें है एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट। एंजाइम्स आपको बताऊँ जी, ये प्रोटीन होती हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, है ना, तो ड्रग इनको टारगेट कर सकते हैं। तो इनमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो है कैटालिटिकल एक्शन ऑफ एंजाइम और दूसरा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, यानी ड्रग किस तरह से एंजाइम को टारगेट कर सकते हैं। तो कैटालिटिकल एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो होता है उसके अंदर एक एक्टिव साइट होती है। आप इस डायग्राम में देखें, आपको येलो कलर में एक एक्टिव साइट दे रखी है। एक्चुअली ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन अपने टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिव होती हैं, और जब ये अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर में कोइल्ड होती हैं तो इनमें एक एक्टिव साइट बन जाती है। और ये जो एक्टिव साइट होती है इसमें एक सीरीज ऑफ फंक्शन ग्रुप्स होती है, ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप्स होती है, जो कि रिएक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करती है। तो जो भी आपका सबस्ट्रेट होता है एंजाइम का, वो सबसे पहले इस एक्टिव साइट से बाइंड होता है। ध्यान रखिएगा, हम लेसन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं लॉक एंड की मॉडल। वही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट
में फिट हो सकते हैं जो उसकी शेप के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफाइड सब्सट्रेट ही एंजाइम की एक्टिव साइट में जुड़ सकते हैं। तो सब्सट्रेट एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ में बॉन्डेड हो जाता है और फिर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। एंड देन उसके बाद में ये जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है वो मीन्स प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एंजाइम की एक्टिव साइट को लीव कर देता है एंड एक्टिव साइट अगेन बिकम फ्री फॉर द न्यू मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सट्रेट। तो इस तरह से कैटालिटिकल एक्शन होता है। लेकिन ड्रग कैसे करती है? अब हम बात करें ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। ड्रग यहाँ पर सब्सट्रेट की मिमिक्री करती है, यानी वो सब्सट्रेट की जगह पर जा कर के एक्टिव साइट में बैठ जाती है और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है। ये डायग्राम आप देखिए, पिंक कलर में तो सब्सट्रेट दिखा रखा है और ग्रीन कलर में ड्रग दिखा रखा है। आप देख लें दोनों की शेप एक जैसी है, लेकिन ड्रग जो है वो सब्सट्रेट की का काम नहीं करेगी, ड्रग सिंपली एक्टिव साइट को जाके ब्लॉक कर देगी। और एक बार एक्टिव साइट अगर ब्लॉक हो गई तो अब सब्सट्रेट को एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, यानी कि सब्सट्रेट की जो कैटालिसिस है, कैटालिटिक रिएक्शन है, वो अब यहाँ पर नहीं हो पाएगी। एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा, उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो चुकी है, सब्सट्रेट उसे कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के जो इनहिबिटर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। तो इस तरह से कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो इनहिबिटर्स होंगे जो कि सब्सट्रेट की जगह पर जा कर के एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं और सब्सट्रेट की रिएक्शन को कैटलाइज होने से रोक देते हैं। दूसरे टाइप के जो इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम को अपना फंक्शन नहीं करने देते हैं, वो आपके होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। अब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं? ये जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट से कंबाइन नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी और साइट से जाके कंबाइन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। इस एलोस्टेरिक साइट से जब ये ड्रग जाकर कंबाइन होती है तो एक्टिव साइट की शेप बदल जाती है, और जब एक्टिव साइट की शेप बदल जाती है तो सब्सट्रेट इस एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, इसलिए वो फिर एक्टिव साइट से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है, तो प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, यानी कैटालिसिस स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से ये जो इनहिबिटर्स हैं ये एक्टिव साइट को तो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, यानी सब्सट्रेट के साथ कॉम्पिटिशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब्सट्रेट को काम नहीं करने देते हैं, तो ऐसे इनहिबिटर्स कहलाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और ये जो साइट है एंजाइम की, अदर साइट अदर देन द एक्टिव साइट, जैसे कि जाके ड्रग कंबाइन कर रहा है, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, और इससे हो क्या रहा है कि एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की शेप बदल रही है, जिससे कि सब्सट्रेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। इसके अलावा हमें यहाँ पढ़ना है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। एंजाइम तो प्रोटीन होते ही हैं, रिसेप्टर्स भी प्रोटीन होती हैं, और रिसेप्टर्स ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिट होती हैं। डायग्राम दिखा रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन का एक सेक्शन दिखा रखा है जिसमें ये एक रिसेप्टर प्रोटीन दिख रही है। इस रिसेप्टर प्रोटीन में एक बाइंडिंग साइट होती है, उस बाइंडिंग साइट से केमिकल मैसेंजर बाइंड करता है। जब एक केमिकल मैसेंजर इस बाइंडिंग साइट पर आकर बैठता है तो वो सेल के अंदर एक केमिकल रेस्पॉन्स देता है, और जब ये रेस्पॉन्स पूरा हो जाता है तो ये इस बाइंडिंग साइट को छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर के केमिकल मैसेंजर्स अपने मैसेज को सेल के अंदर भेजने के लिए रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आपका जो हिस्टामिन केमिकल है जो आपकी बॉडी में अपने आप बनता है, एक केमिकल मैसेंजर है, ये गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स की जो सेल्स होती हैं उनकी रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट पर जाकर बैठ जाता है और केमिकल मैसेज देता है टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जब हम खाना खाते हैं उस समय ये हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, और ये हिस्टामिन गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स की सेल्स की रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट पर बैठ करके उनको मैसेज देता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना है, और जब इसका काम पूरा हो जाता है तो ये बाइंडिंग साइट से हट जाता है। अब अगर आपको मान लीजिए गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी बॉडी में एसिड बहुत रिलीज़ हो रहा है और आपको एसिडिटी कंट्रोल करनी है, तो एसिड के रिलीज़ को अगर आपको रोकना है तो हम एंटी हिस्टामिन ड्रग काम में लेंगे। ये जो एंटी हिस्टामिन ड्रग होगा ये जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर है उसकी जगह पर जा कर के बैठ जाएगा और उस बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देगा। वो
हिस्टामिन का मैसेज अंदर नहीं सेंड करेगा, सिंपली इस साइट को जाकर के ब्लॉक कर देगा ताकि हिस्टामिन के लिए बाइंडिंग साइट फ्री ना रहे और हिस्टामिन अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे, जिससे कि गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का जो रिलीज़ है वो बंद हो जाए। तो इस तरह से ये ड्रग काम करते हैं, कुल मिलाकर के ये ब्लॉक कर देते हैं। वैसे रिसेप्टर्स पर काम करने वाले ड्रग दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एंटागोनिस्ट, एक होता है एगोनिस्ट। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया एंटी हिस्टामिन ड्रग का, जो कि गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स के सेल्स पर जाकर के उनकी बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देता है और हिस्टामिन को काम नहीं करने देता है, ये एंटागोनिस्ट हैं। ये जनरली नेचुरल मैसेंजर को काम करने से रोकते हैं, उनकी रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट को जाकर ब्लॉक करते हैं। जबकि दूसरे टाइप के जो ये रिसेप्टर्स के ड्रग टारगेट्स होते हैं वो एगोनिस्ट भी होते हैं। एगोनिस्ट कौन से ड्रग हैं ये? एगोनिस्ट जैसे आपके सिंथेटिक हार्मोन्स, ये एक्चुअली वही काम करते हैं जो नेचुरल केमिकल मैसेंजर करता है। ये जनरली तब अप्लाई किए जाते हैं जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की डेफिशिएंसी होती है। जैसे आपकी बॉडी में किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो डॉक्टर्स आपको सिंथेटिक हार्मोन्स देते हैं, और ये सिंथेटिक हार्मोन्स नेचुरल हार्मोन का ही फंक्शन करते हैं। ये उसी रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट पे जाकर बैठते हैं जिसमें नेचुरल मैसेंजर जाकर बैठता है, और सेम केमिकल मैसेंजर सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी वो सेम फंक्शन करते हैं जो कि एक नेचुरल केमिकल मैसेंजर करता है। तो अगर आपका ड्रग रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके नेचुरल मैसेंजर्स की फंक्शनिंग को इनिबिट करता है तो ऐसा ड्रग कहलाता है एंटागोनिस्ट ड्रग। और ऐसा ड्रग जो कि सेम फंक्शन करता है नेचुरल मैसेंजर के जैसा, सेम तरीके से रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट पर जाकर के बैठ करके सेम केमिकल मैसेज देता है, तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट ड्रग, जैसे कि सिंथेटिक हार्मोन्स। अब हम वन बाय वन जो डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिसिन हैं उनके बारे में थोड़े थोड़े इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं, है ना, यहाँ पर आपको कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करें एंटासिड्स। जैसे नेम से पता चलता है ये हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में ये ड्रग्स काम में ले जाते हैं। कुल मिलाकर के ये हमारे बॉडी में जो स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज होता है उसमें रिलीफ देते हैं। ये ड्रग जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक माइल्ड बेस है। ये बॉडी में जब इसको हम एज मेडिसिन लेते हैं तो डायरेक्टली एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये हाईली वाटर में सॉल्युबल है। इस कारण से स्टमक में अगर एक्सेस में हो तो एल्कलाइनिटी प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण ये गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स को और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एसिड, तो इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरी क्लास होती है कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हम काम में लेते हैं एज एंटासिड, जैसे कि आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनकी जो एक्सेस अमाउंट होती है ये एल्कलाइनिटी प्रोड्यूस नहीं करती है, तो ये बेटर है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये उतना ही मतलब डिसॉल्व होते हैं जितना कि एसिड प्रेजेंट होगा, उतनी अमाउंट में काम में आते हैं, और बाकी जो अमाउंट बचती है एक्सेस बचती है वो कोई एल्कलाइनिटी प्रोड्यूस नहीं करती है क्योंकि इनसॉल्युबल है, और इस कारण से ये गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स को स्टिमुलेट नहीं करते हैं टू रिलीज मोर एसिड। तो इस तरह से ये सोडियम बाइकार्बोनेट से ये बेटर है। लेकिन एक तीसरी क्लास और है जिसमें मैंने एग्जांपल दिए हैं सिमेटिडीन, रैंटिडीन, ये एंटी हिस्टामिन्स होते हैं और ये एंटासिड की तरह काम करते हैं। ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड है ये गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स की जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी बाइंडिंग साइट को जाकर के ब्लॉक कर देते हैं और हिस्टामिन को अपना काम नहीं करने देते हैं, जिससे कि एसिड का रिलीज बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये कॉज को ही ख़त्म करते हैं, इस कारण से ये मेटल हाइड्रोक्साइड से भी ज़्यादा बेटर एंटासिड्स कहलाएंगे। अगली क्लास है एंटी हिस्टामिन्स। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं। तो एंटी हिस्टामिन्स आर द ड्रग विच इनिबिट द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन, ठीक है ना। अब हिस्टामिन की बॉडी में क्या क्या फंक्शन है तो मैंने लिस्ट किया हुआ है। इट इज़ ए पोटेंट वैसो डायलेटर, इट स्टिमुलेट टू गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड सेल्स टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, इट कॉन्टैक्ट द स्मूथ मसल इन द ब्रोंकाई एंड गट एंड रिलैक्स अदर मसल्स, इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेक्शन
एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हिस्टामिन के, आप इनको पढ़ लें। इन सभी फंक्शंस को एंटी हिस्टामिन ड्रग्स इनिबिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है दिस टर्फेनाडिन, ठीक है, इसको सेल्डेन बोलते हैं, और एक है ब्रोमफेनिविन। ये दो एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, एंटी हिस्टामिन एग्जाम्पल और बुक में दिए, एक बार रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स, एंड दैट्स वाई ये एक दूसरे की लिए एज रिप्लेसमेंट काम में नहीं लिए जा सकते हैं। यानी अगर हम सेमेटिडिन या रेंटिडिन काम में ले रहे हैं तो वो गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स पर ही काम करेंगे और एसिड के रिलीज़ को रोकेंगे, लेकिन वो हमें कॉमन कफ एंड कोल्ड में कोई फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि दोनों की रिसेप्टर साइट अलग अलग हैं। इसीलिए सिमेटिडिन स्टमक वॉल में ही काम करेगा, वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के कॉमन कफ एंड कोल्ड में आपको कोई रिलीफ नहीं देगा। और जो ब्रोमफेनरिमिन है वो कॉमन कोल्ड एंड कफ में काम करेगा, आपको रिलीफ देगा, लेकिन वो गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स के सेल्स पर काम नहीं करेगा और वहाँ हाइपर एसिडिटी में आपको कोई रिलीफ नहीं देगा। तो इस तरह से जो वैरायटी ऑफ एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, इनके रिसेप्टर्स अलग अलग होने के कारण ये हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हिस्टामिन की अलग अलग फंक्शंस को ये स्टॉप करते हैं, ये एक दूसरे के लिए रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। अगली क्लास है ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स जो होते हैं ये आपके न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते हैं। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स से मतलब है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले ड्रग्स होते हैं ये, और ये जो ड्रग होते हैं ये हमारी मेंटल डिजीज़ को क्योर करने में काम आते हैं। जो सीवियर से लेकर के लाइट मेंटल डिजीज जो होती हैं उनको क्योर करने में ये काम में लिए जाते हैं। अब इनकी भी कई क्लास हैं, जैसे हम बात करें एंटी डिप्रेशन ड्रग, तो ये आपके डिप्रेशन को कम करते हैं। अब डिप्रेशन को कैसे कम करते हैं, इसके लिए हमें नॉर एड्रेनालिन के बारे में पता होना चाहिए। नॉर एड्रेनालिन जो होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि नर्व्स के बीच में सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और इसकी जब हमारे बॉडी में अच्छी अमाउंट होती है तो हमारा मूड गुड रहता है। तो हमारे बॉडी में नर्व्स के बीच में सिग्नल का जो ट्रांसफ़र है वो अच्छी तरीके से चलने के लिए ये ज़रूरी है कि नॉर एड्रेनालिन की अमाउंट अच्छी रहे, और इससे हमारा मूड अच्छा रहता है। लेकिन हमारे बॉडी में एक एंजाइम बनता है जो इस नॉर एड्रेनालिन को डिकम्पोज कर देता है। अगर ये एंजाइम ज़्यादा बन गया, जनरली ये कब बनता है जब हम टेंशन में आते हैं, तो ये नॉर एड्रेनालिन का लेवल को कम कर देता है, उसको डिके कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे नर्व्स के बीच में जो मैसेज का जो आदान प्रदान है वो ब्लॉक हो जाता है, या ये जो ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिकेशन है वो स्लो हो जाता है, जिससे कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं जो कि नॉर एड्रेनालिन को डिग्रेड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नॉर एड्रेनालिन के लेवल को बनाए रखने में हमारे हेल्प कर रखती हैं ताकि हम डिप्रेशन में ना आए। देन कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर एंटी डिप्रेशन ड्रग के, जैसे दिस आइप्रोनियाजिड, फिनाजिन, ये आपकी एंटी डिप्रेशन ड्रग हैं। इसके अलावा टेंशन रिलीविंग ड्रग्स जो हमें टेंशन में फ़ायदा देती हैं उनसे रिलीव करती हैं, तो उसमें भी आपको दो तीन एग्जांपल आपको याद करने हैं। एंड इसमें जैसे ना हाइपरटेंशन के लिए इक्विनिली एक अच्छा एग्जांपल है जो आप तैयार कर सकते हैं। एक क्लास होती है स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स जो कि हिप्नोटिक इन नेचर होते हैं। इसमें हम बारबिट्यूरेट्स और उनके डेरिवेटिव्स ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपका वेरोनल, एमाइटल, ल्यूमिनल एट्सेट्रा, ये एग्जांपल आप याद कर लें। एग्जांपल एनसीईआरटी के एक बार आप सारे पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये कौन सी क्लास ऑफ ड्रग है, इसलिए आपको पहचान में आना चाहिए। और वैसे अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप कम से कम दो एग्जांपल हटे होने चाहिए ताकि आप उनको लिख पाएँ। अब अगली क्लास है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स भी दो टाइप के होते हैं। एनाल्जेसिक्स होती हैं वो ड्रग्स जो कि पेन रिलीविंग होती हैं, लेकिन ध्यान रखना ये पेन रिलीविंग तो होती हैं लेकिन विदाउट कॉजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस और मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की होती हैं, नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक। आपके जो नॉन नार्कोटिक होती हैं ना, ये पेन से तो रिलीव करती हैं लेकिन
स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती हैं, जबकि नार्कोटिक जो होती हैं ये स्लीप प्रोड्यूस करती हैं। नॉन नार्कोटिक हम साधारण कॉमन पेन के केस में लेते हैं और नार्कोटिक हम सीवियर पेन के केस में लेते हैं। एग्जाम्पल लें अगर नॉन नार्कोटिक के, तो इसमें पैरासीटामोल एस्पिरिन आते हैं। ध्यान रखिएगा जो एस्पिरिन है इसके तीन फार्माजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो ये एनाल्जेसिक है ना, यानी ये दर्द कम करती है। दूसरी ये एंटीपायरेटिक है ना, क्योंकि ये आपके टेम्परेचर को लोअर करती है, बुखार में फीवर के केस में काम ली जाती है, ठीक है ना। मतलब एनाल्जेसिक तो ये है ही, लेकिन एंटीपायरेटिक भी है। इसके अलावा ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी है, यानी ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स को सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है वो आपकी एस्पिरिन दी जाती है। जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ नॉन नार्कोटिक के अंदर पैरासीटामोल, ये भी आपकी एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक भी है, यानी ये बॉडी टेम्परेचर को लोअर करती है। नार्कोटिक मेडिसिन जो होती हैं ना ये सीवियर पेन में काम में लेते हैं। ये जनरली ओपीएम डेरिवेटिव होती हैं, ओपीएम एक्सट्रैक्ट की डेरिवेटिव होती हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, ठीक है ना। ये सीवियर पेन की केस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब अगली क्लास है एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं ये कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं इनको किल करती हैं, इनकी ग्रोथ को इनिबिट करती हैं। हम तीन क्लास के एंटी माइक्रोबियल पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। सबसे पहले बात करें एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी की है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिसने पहला एंटीबायोटिक बनाया था और उसको एक फंगस होती है पेनिसिलियम, उससे आइसोलेट किया था और इस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। एंटीबायोटिक होती क्या है, तो इनकी अगर हम ओल्ड डेफिनेशन देखें तो ये वो केमिकल हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त किए जाते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। लेकिन आजकल हम इनको लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब इनके कई क्लासिफिकेशन हैं, जैसे हम बात करें बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल तो वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काम में लिए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन एंड ओफ्लॉक्सिन। बैक्टीरियोस्टैटिक ये वो आपके एंटीबायोटिक हैं जो कि उनकी नंबर को बढ़ने नहीं देती हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, ठीक है ना, मारती नहीं उनको। तो जैसे हम एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंड क्लोराम्फेनिकोल ये ले सकते हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। अगला क्लासिफिकेशन है एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। आपके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती हैं, जबकि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं दीज आर इफेक्टिव आइदर अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दोनों पे काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती हैं दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज, ठीक है ना। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करती हैं, इसके एग्जाम्पल में हम क्लोराम्फेनिकॉल, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एटसेट्रा ले सकते हैं, जबकि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हम पेनिसिलिन जी का नाम ध्यान रखेंगे, पेनिसिलिन जी, ठीक है। और लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हम लोग डिजी डेजिरिन, ये जो एग्जाम्पल है इसको हम याद रख सकते हैं, ये पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये भी एंटी माइक्रोबियल है, उनका काम क्या होता है, दे आर यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट दे आर यूज एज एक्सटर्नल सब्सटेंसेस। मतलब हम इनको लिविंग टिश्यू पर इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नली, नॉट इंटरनली। एंटीबायोटिक हम इंटरनली ले सकते हैं, हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक ओरली ले सकते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक मस्ट बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू एक्सटर्नली। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर कोई वुंड मीन्स घाव हो गया, कोई कट लग गया है, कहीं पे डिजीज स्किन है, तो वहाँ हम एक्सटर्नली इसको इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल फ्यूरोसिन, सोफ्रामाइसिन एटसेट्रा। अब कुछ आपके जो एंटीसेप्टिक्स हैं उनके कंपोजिशन के बारे में पूछते हैं, जैसे डिटॉल। डिटॉल इज़ ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिलिनॉल एंड टर्पिनियोल। ऐसे ही जो आपके मेडिसिनल सोप होते हैं
उनमें कौन से एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं, दैट इज बाई थायनॉल, ठीक है ना। ऐसे आपका जो टिंचर ऑफ आयोडीन है उसमें आयोडीन होता है जो कि 2 to 3% सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है इन अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। ऐसी एक आयोडोफॉर्म पाउडर भी हम एज एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं फॉर द वुंड्स। बोरिक एसिड जो होता है इसका डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन आइज़ के लिए वीक एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये सब एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। देन अगला है डिसइन्फेक्टेंट्स। जो डिसइन्फेक्टेंट्स होते हैं ये भी एंटी माइक्रोबियल हैं, मीन्स दे आर ऑल्सो यूज टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म, लेकिन इनका इस्तेमाल हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे कि फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा पर करते हैं और उनको जर्म फ्री बनाने में काम रहते हैं। इनको लिविंग टिश्यू पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपके क्लोरीन जो होती है ये 0.2 से 0.4 PPM कंसनट्रेशन में एक डिसइन्फेक्टेंट का काम करती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड भी लो कंसनट्रेशन में डिसइन्फेक्टेंट है, और फिनोल आपका एंटीसेप्टिक और डिसइन्फेक्टेंट दोनों तरीके से काम करता है। जब इसकी कंसनट्रेशन 0.2% होती है तब तो ये एंटीसेप्टिक है, लेकिन जब इसकी कंसनट्रेशन 1% या उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये डिसइन्फेक्टेंट है। अगला देखें इसमें हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ये आपके पॉपुलेशन कंट्रोल में और फैमिली प्लानिंग में काम में ली जाने वाली ड्रग्स हैं, और इनका जो जनरली इस्तेमाल होता है वो ओव्यूलेशन को सप्रेस करने में किया जाता है। जनरली दे आर द मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें नॉर एथिनट्रॉन, एथेनल एस्ट्राडायोल यानी नोवेस्ट्रॉल, ये दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं। अगला इसमें है हम पढ़ेंगे केमिकल इन फूड्स। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, फूड प्रिजर्वेटिव और एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, ये एक्चुअली स्वीट इन टेस्ट तो होते हैं लेकिन इनकी जो कैलोरी इंटैक होती है वो जीरो होती है, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जैसे हम बात करें एस्पार्टम, एस्पार्टम जो होता है ये करीबन 100 टाइम ज़्यादा मीठा होता है शुगर के कंपेरिजन में, और कोल्ड फूड आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर अनस्टेबल होता है। तो ये इसकी कमी है कि कुकिंग टेम्परेचर में यानी गर्म करने पर ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज जाता है, तो कोल्ड फूड आइटम्स पर ही में ही ये इस्तेमाल होता है। दूसरा है इसमें सुक्रोलोज, ये नेचुरल शुगर से 550 टाइम ज़्यादा स्वीट होता है, लेकिन ये हॉट टेम्परेचर पे भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कुकिंग टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, तो ये एस्पार्टम से बेटर है। तीसरा है इसमें एलीटेम। एलीटेम जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, ये करीब 2000 गुना ज़्यादा स्वीट होता है आपके शुगर से, इसीलिए इसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज़ डिफ़िकल्ट इन दिस केस, ठीक है, तो ये भी इसकी कमी है, यानी ये सुक्रोलोज बेस्ट है। ऐसी एक इसमें सैक्रीन और होता है, वो भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। देन हम बात करें फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव जो होते हैं दे प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, जैसे टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, ये सब आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो एग्जाम्पल आप याद कर लें और फंक्शन याद कर लें। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दे रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड, ताकि उनकी जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज करके उनके टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देती है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड ताकि उनका टेस्ट लंबे समय तक एक जैसा बना रहे। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ बात कर सकते हैं BHT यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलोइन एंड BHA मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। देन हम बात करें क्लींजिंग एजेंट्स, जिसमें सबसे पहले हम बात करें सोप। सोप आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इनको हम जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन दे रखी है ये सपोनिफिकेशन की है। हम नेचुरल ऑयल या फैट्स से सोप को बनाते हैं,
नेचुरल ऑयल या फैट जो होते हैं ये ग्लिसरल एस्टर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने जो एग्जांपल ले रखा है दैट इज़ द ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, जो कि एक नेचुरल फैट है, हम इसको NaOH से ट्रीट करते हैं तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड मिलता है जिसको बोलते हैं सोडियम स्टेरेट, और ये आपका सोप है, इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ में एज बाई प्रोडक्ट ग्लिसरॉल भी बनता है। आपके जो शेविंग सोप्स होते हैं उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, क्योंकि ये जो ग्लिसरॉल होता है ये रैपिड ड्राइंग को प्रिवेंट करता है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है तो ये मॉइस्चर कंटेंट को बनाए रखता है। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है, क्यों हम शेविंग सोप्स में ग्लिसरॉल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये रैपिड ड्राइंग को स्टॉप करता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि सोप जो होते हैं हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करते हैं, तो उसका कारण ये है कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में इसलिए काम नहीं करता क्योंकि हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, और ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं ये सोप के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप बनाते हैं, और इस फॉर्म में आपका जो सोप होता है वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, यानी पानी से अलग हो जाता है, तो उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, इसीलिए हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से हार्ड वाटर के अंदर आपका जो सोप होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और एक स्टिकी मास, गमी मास बनाया जाता है, ये आपका जो गमी मास होता है वो क्लॉथ को क्लीन करने बजाय उसी से चिपक जाता है, उसको और ज़्यादा डल कर देता है, इसलिए सोप का इस्तेमाल हार्ड वाटर के बेंस में नहीं करना चाहिए। या मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पोटेशियम सॉल्ट होते हैं हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के, दे आर बेटर सोप एज़ कम्पेयर टू सोडियम सॉल्ट, ठीक है। देन जो भी हम टॉयलेट सोप बनाते हैं उसमें से एक्सेस अल्कलाई को हम केयरफुली रिमूव कर देते हैं ताकि वो हमारी स्किन को नुकसान ना करे। जो ट्रांसपेरेंट सोप्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम सोप को एथेनॉल में डिसॉल्व कर देते हैं और फिर उसके बाद में एक्सेस सॉल्वेंट को एवोपरेट करते हैं, तो उससे आपका ट्रांसपेरेंट सोप बन जाता है। तो ये कुछ बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब इस पर नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये भी सोप की तरह ही काम करते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, यहाँ पर सोप और डिटर्जेंट्स दोनों ही मिसेल फॉर्मेशन के बेस पर क्लीनिंग एक्शन करते हैं, जो हम लेसन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। एक्चुअली इनमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट होते हैं, पोलर पार्ट जो हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलर पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये दोनों पार्ट्स को रखने के कारण मिसेल फॉर्मेशन करते हैं और ऑयली डर्ट को ट्रैप करके उसको क्लॉथ से रिमूव करने का काम करते हैं। तो दोनों ही एक जैसी फंक्शनिंग करते हैं, बस अंतर इतना है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम में लिए जा सकते हैं, क्योंकि इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं, तो इस तरह से आपका जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में भी प्रेसिपिटेट नहीं होता है, हार्ड वाटर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स आपके 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आयन मिसेल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, कौन सा आयन हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट रखता है। तो ऐसा डिटर्जेंट जिसके एनायन में हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट हैं और जो कि मिसेल फॉर्मेशन करके क्लीनिंग एक्शन करता है, यानी क्लीनिंग एक्शन के लिए एनायन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा डिटर्जेंट एनायनिक डिटर्जेंट होता है। और अगर कैटायन के अंदर पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट हैं और वो मिसेल फॉर्मेशन में हेल्प करके क्लीनिंग में को परफॉर्म करता है, तो वो कैटायनिक डिटर्जेंट होगा। और ऐसा डिटर्जेंट जिसमें आयंस नहीं होते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट हैं और वो क्लीनिंग एक्शन करता है, तो उसको हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट बोलते हैं। सबसे पहले आयनिक डिटर्जेंट के सॉरी एनायनिक डिटर्जेंट के एग्जाम्पल ले लें, तो इसमें आपका ये आएगा सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है इसको लॉरेल एल्कोहल से बनाते हैं, लॉरेल एल्कोहल पर जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो लॉरेल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और फिर उसकी NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो SO3H ग्रुप है इसका H Na+ से रिप्लेस हो जाता है, तब बनता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है। ये एक आपका एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लें सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जैसे आपका सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। इसको बनाने के लिए हम डोडेकिल बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं
और उससे आपका डोडेकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और फिर उसको एनएस से ट्रीट करते हैं तो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ डोडेकिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, जिसको बोलते हैं सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट। ये दोनों एग्जाम्पल एनायनिक डिटर्जेंट के हैं, क्योंकि एन ए प्लस तो पानी में डिजोल्व करते ही एनायन जो निकल जाएगा, पीछे बचेगा एनायन, और एनायन के अंदर ये दोनों पार्ट। अब चेक करें, ये तो आपको जो ब्लैक में दिखा रखी है ये तो है हाइड्रोकार्बन चेन जो कि नॉन पोलर है, और ये आपका पोलर पार्ट है। तो इस तरह से एनायन के अंदर पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट है, इसलिए ये एनायन यहाँ पर मिसाइल फॉर्म करेगा और आपका जो क्लीनिंग एक्शन है वो एनायन परफॉर्म करेगा, इसलिए ये एनायनिक डिटर्जेंट है। सिमिलरली सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट में भी आप चेक कर लीजिए, एन ए प्लस तो अलग हो जाएगा, पीछे ये तो है आपका पूरा एनायन, उसके अंदर ये जो पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि नॉन पोलर है, जो कि हाइड्रोफोबिक है, और ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो एनायन के अंदर दोनों पार्ट मौजूद हैं, तो ये मिसाइल फॉर्म करने में एनायन पार्टिसिपेट करेगा और क्लीनिंग एक्शन में भी एनायन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये भी एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। कैटायनिक डिटर्जेंट में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दिस सेटल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसमें आप चेक करें एनायन तो सिंपल है, लेकिन जो कैटायन है वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर ये जो आपको हाइड्रोकार्बन चेन दिख रही है ये तो हाइड्रोफोबिक है क्योंकि ये नॉन पोलर है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पर है, इसलिए ये जो पार्ट दिख रहा है ये पोलर है। तो इस तरह से पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट किस में मौजूद हैं, कैटायन के अंदर। तो कैटायन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मिसाइल फॉर्मेशन फॉर द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप क्लीनिंग एक्शन ऑफ द डिटर्जेंट, दैट्स वाई दिस इज कैटायनिक डिटर्जेंट। ठीक है, अब हम बात करें नॉन आयनिक डिटर्जेंट, तो ये आयनाइज नहीं होंगे। आपको मैंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, दोनों एग्जाम्पल के अंदर आप देखें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, वो तो है हाइड्रोफोबिक यानी नॉन पोलर पार्ट, और जहाँ से ऑक्सीजन शुरू होती है वो पार्ट पोलर पार्ट कहलाता है यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये अपना क्लीन रिएक्शन कर पाएगा क्योंकि ये मिसाइल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आपको इस टाइप का एग्जाम्पल दे करके आइडेंटिफाई कराया जा सकता है कि इसमें कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक है कौन सा हाइड्रोफिलिक है। तो अब ध्यान रखना, जहाँ पर ओनली कार्बन हाइड्रोजन है वो तो है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रही है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी पोलर पार्ट है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, ये पार्ट जो दिख रहा है ये हाइड्रोफोबिक है और ये पूरा हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों टाइप के होते हैं, तो कैसे हम पता लगाएं कि वो बायोडिग्रेडेबल होंगे या नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। तो अगर वो अनब्रांच्ड चेन रखते हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, मोर दी ब्रांचेस लेसर द बायोडिग्रेडेबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, ब्रांचिंग होगी इनके हाइड्रोकार्बन चेन में, उतना ही आपका डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, और अगर अनब्रांच चेन मौजूद है डिटर्जेंट के अंदर तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, तो आप आसानी से एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन सा डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चैप्टर कवर करना है, बहुत सिंपल है, 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, और जितना मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है उसके बाहर से आने के चांसेस बहुत कम हैं। थैंक यू।